नमस्कार दोस्तों, टेक हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है एक हार्ड डिस्क में और एक एसएसडी में। अगर आप इन दोनों चीजों को कंपेयर करते हैं तो आप कंपेयर कर रहे हैं एक बाइक को और एक प्लेन को। बेसिकली तो ये दोनों ही स्टोरेज सॉल्यूशन है बट काफी अलग चीजें हैं। वैसे तो कई मामलों में एसएसडी की स्पीड हार्ड डिस्क के कई ज्यादा होती है। जैसे कि देख लीजिए कि अभी मॉडर्न हार्ड डिस्क के अगर आप बड़ी कोई फाइल्स कॉपी करेंगे हार्ड डिस्क में या फिर एसएसडी में तो आपको उतनी स्पीड डिफरेंस नहीं मिलेगी। तो क्या आपको एसएसडी बाय नहीं करनी चाहिए? हार्ड डिस्क की अच्छा सोल्यूशन है। जैसे कि सोच लीजिए कि आप अपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं, काफी कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर रन करना चाहते हैं और मल्टी टास्किंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए एसएसडी एक बेटर सोल्यूशन है। यानी कि सोच लीजिए कि आप अपने कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क लगाई हुई है और पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को आप सिर्फ एसएसडी में इंस्टॉल करते हैं तो एक परफेक्ट सॉल्यूशन होता है। क्योंकि हम इसके कंज्यूमर रेट देखने जाए तो 5000 से 6000 में आपको सिर्फ 240 GB की एसएसडी मिलेगी, मगर उतनी प्राइस में आपको जो हार्ड डिस्क है वो 2 TB तक की मिल सकती है। यानी कि आप 1 TB अपने कंप्यूटर में रखे और 1 TB एज अ बैकअप ड्राइव भी सेटअप कर सकते हैं। यानी कि 4 गुनी आप हार्ड डिस्क इससे बाय कर सकते हैं उतने रुपए में जितने आप एसएसडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अभी तक जो कंज्यूमर रेट है उससे तो यही पता चलता है कि पर्टिकुलर स्टोरेज सॉल्यूशन के लिए एसएसडी एक चॉइस नहीं है। उसके लिए हमारी जो ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क है वही एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। मगर कुछ लोगों का कहना है कि हार्ड डिस्क जल्द से जल्द फेल हो जाती है और एसएसडी मोर रिलायबल है, तो ये भी एक मिथ ही है। जैसे कि हार्ड डिस्क के अंदर मूवेबल पार्ट्स होते हैं तो ऑब्वियसली हार्ड डिस्क फेल होने के चांसेस ज्यादा है, मगर अभी जो मॉडर्न हार्ड डिस्क है उतनी जल्दी फेल नहीं हो जाती। जैसे कि आप एक पीसी बना रहे हैं, पीसी बिल्ड कर रहे हैं, तो आपके सीपीयू एक स्टेडी जगह पे रहने वाला है तो वहां पे इंपैक्ट या फिर जर्क नहीं लगने वाला है, तो आपकी हार्ड डिस्क फेल होने के चांसेस नन है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप एसएसडी कभी भी फेल नहीं होती तो वो बात भी गलत है। जैसे कि आप अपनी एसएसडी में से सिर्फ रीड टाइप के ही ऑपरेशंस कर रहे हैं, वहां से डेटा रीड ही कर रहे हैं और कुछ राइट नहीं करवाए तो एसएसडी रिलायबल है, मगर वहां पे आप काफी सारी इंफॉर्मेशन को हमेशा राइट करवाते हैं तो कंज्यूमर बेस्ड एसएसडी भी फेल हो सकती है। तो एट द एंड में ये कंक्लूजन पर पहुंचता हूं कि अगर आप एक लैपटॉप या फिर टैबलेट जैसी मूवेबल चीज बाय कर रहे हैं और उसमें कोई स्टोरेज सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो वहां पे आप एसएसडी प्रीफर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक ही डिवाइस में एसएसडी की स्पीड हो और हार्ड डिस्क का स्टोरेज, तो उसके लिए सॉल्यूशन है हाइब्रिड ड्राइव। और पर्टिकुलर हाइब्रिड ड्राइव पे हम फ्यूचर में वीडियो करने वाले हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी अपडेट हो जाएगी। और अगर आप कंज्यूमर पीसी बिल्ड के लिए एसएसडी चूज करना चाहते हैं तो सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और पर्टिकुलर लैपटॉप के लिए आप एक एसएसडी ढूंढ रहे हैं तो M.2 टाइप की एसएसडी की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो उसे चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो होप कि आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अभी भी आप कंफ्यूज है तो कमेंट में जाके हमें सुझाव दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारे सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नए वीडियो की जल्दी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब के बाजू में जो नोटिफिकेशन बटन है वो भी प्रेस कर दीजिए। और मैं कुछ अगर आपको मिलता हूँ ऐसे ही मोर कॉम्प्लिकेटेड वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ रहे।